जबल मैरिज हॉल, रमजान स्पेशल ऑफर, लेविश फील और रॉयल एमिनिटीज के साथ वाटरफॉल जैसी हर सुविधा आपके किसी भी फंक्शन को एक यूनिक एम्बियंस देता है। 600 चेयर्स, 16 फ्रंट सोफा, 20 टेबल फॉर डाइनिंग। लाल किला कैटरर्स के साथ इनिशिएटिव लेके आपके लिए जबल वेडिंग हॉल ला रहा है स्पेशल कैटरर्स रेट्स, और हर अमेनिटी जबल मैरिज हॉल आपको प्रोवाइड करता है वो भी डिस्काउंट रेट्स में। ऑफर सिर्फ मई 2023 तक सीमित है। पूरी सर्विस और रेट जानने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। पहले मारी कार से कार को टक्कर, फिर दौड़ाकर की फायरिंग, नासिक के सातपुर की वारदात। शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत, मुंबई के दहिसर की घटना। मुंबई की मुख्य पानी आपूर्ति लाइन से देखिए कैसे जाया हो रहा है सैकड़ों लीटर पानी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर नासिक के सातपुर परिसर से। यहां पर एक वारदात हुई है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए कितना दिल दहलाने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज है। एक कार जो है चली आ रही है, पीछे से एक दूसरी कार तेज गति से आती है और इस कार को टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद जिस कार को टक्कर लगती है वो काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं टक्कर मारने वाला कार चालक नीचे उतरता है, उसी दौरान टक्कर खाने वाला कार चालक भी नीचे उतरता है। जैसे ही वो दूसरे कार चालक को देखता है दौड़ना शुरू करता है और ये टक्कर मारने वाला कार चालक उसके पीछे दौड़ करके फायरिंग करता है उसके पीछे। ये नासिक के सातपुर की वारदात है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जिस कार को टक्कर मारी गई उस कार चालक का नाम तपन जाधव है और हमलावर व्यक्ति का नाम आशीष जाधव है। दोनों में पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। एचआर तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर मुंबई के उपनगर दहिसर से है। वैसे तो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी सरकार में भले एक है लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में ठाणे, मुंबई जैसी जगहों में तो खास करके भिड़ंत के कई मामले हो रहे हैं। दहिसर से ये एक भिड़ंत का सामने मामला आया है जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है। विभीषण वारे नाम का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस हमले में जख्मी हुआ है। उसने शिवसेना शिंदे गुट के शाखा प्रमुख समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। देखिए ये घटना के सीसीटीवी फुटेज। चार तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर मुंबई नासिक हाईवे से है। मुंबई नासिक हाईवे से रीति बंदर का जो कलवा खाड़ी का सटावा परिसर है, यहीं से मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली मुख्य लाइनें जाती हैं। स्टेम की है और मुंबई मनपा की है। इन्हीं में से एक लाइन का एक जगह लीकेज हुआ है ब्रिज के नीचे, बिल्कुल जहां आप रीति बंदर के लिए खारीगांव टोल नाके की तरफ से आकर के मुड़ते हैं तो वहीं पर ये लीकेज है बड़ी पाइपलाइन के अंदर। और इस लीकेज की सूचना हमारे अलर्ट व्यूअर सुफियान मेहता ने हम तक पहुंचाया है। उन्होंने वीडियो भी बनाया है। दोपहर से लेकर देर रात तक जब ये वीडियो बनाया गया तब तक ये पानी जाया हो रहा था। ये थी हमारी आज की एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।